नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम आपको बताएंगे 15 सितंबर की उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जिन्होंने भारत के इतिहास में एक खास स्थान बनाया है। आज का दिन क्यों खास है, आइए जानते हैं। आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें सबसे खास है इंजीनियर्स डे। क्या आप जानते हैं ये क्यों मनाया जाता है? 1860 में आज ही के दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। उनकी अद्भुत इंजीनियरिंग प्रतिभा के कारण आज हम इस दिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। उनके योगदान के बिना भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद आज इतना विकसित नहीं होता। 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली, बम्बई जो अब मुंबई है, की बंदरगाह पहुंचा था। ये भारतीय नौसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत किया। 1958 में चिकित्सा विज्ञान ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया, जब घातक बीमारी ट्रेकोमा के वायरस की पहली बार खोज की गई। यह खोज दुनिया भर में चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत आज ही के दिन 1959 में दिल्ली में हुई थी। इस दिन से भारतीय टेलीविजन इतिहास की नींव रखी गई और दूरदर्शन ने लाखों भारतीयों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़ा। 1931 में आज ही के दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और अंग्रेजों से बातचीत का एक नया रास्ता खोला। 1909 में आज ही के दिन तमिलनाडु के प्रसिद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई का जन्म हुआ था। उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई और राज्य की सामाजिक संरचना में भी बड़ा योगदान दिया। 1949 में आज ही के दिन भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म हुआ था। उन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी विशेष पहचान बनाई और आज भी उनका प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये थी 15 सितंबर की वो खास घटना जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें। हम रोजाना आपके लिए ऐसी दिलचस्प महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।